नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप की यूजर है, तो आप चाहे आपका व्हाट्सएप है क्या है नहीं है, तो कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप है क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको 2-3 स्टेप बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके इजिली आप पता कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक है या हैक नहीं है। तो सिंपली आपको जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको बस आपको फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ना और विजिट करें तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कर चलो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पर आ जाना है। अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपका जो व्हाट्सएप है उसको ओपन करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपको ऊपर में जो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है कोना में, यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपका व्हाट्सएप हैक कोई कैसे करता है, तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करता है, और यहाँ पर जो एक स्कैन करने का आपको साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ से आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं स्कैन क्यूआर कोड, यहाँ पे स्कैन कोड, यहाँ पे स्कैन कोड पे क्लिक करके ही आपका व्हाट्सएप कोई हैक करता है। यहाँ से आपको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि आपको व्हाट्सएप हैक है या नहीं। तो सिंपली आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं उसको मालूम करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसी में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि देखने को मिल रहा होगा लिंक्ड ए डिवाइस, यहाँ पे आपको लिंक ए डिवाइस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका व्हाट्सएप कोई हैक किया है नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक डिवाइस टैप है डिवाइस टू लॉग आउट, यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि गूगल क्रोम एमएक्स इतना लास्ट एक्टिव टुडे, यानी मेरा जो ये व्हाट्सएप है ये व्हाट्सएप हैक है, और यहाँ पे जो लास्ट बार एक्टिव था ये बंदा जो भी मेरा व्हाट्सएप हैक किया है, वो लास्ट टाइम जो भी बंदा मेरा हैक किया था व्हाट्सएप उसने लास्ट टाइम यहाँ पे 10:49 में अभी यहाँ पे एक्टिव हुआ यानी व्हाट्सएप को ओपन किया था। यहाँ से इजीली आपको देखने को मिल जाएगा आपके कितने फ़ोन में आपका व्हाट्सएप लॉगिन है, यानी आपका व्हाट्सएप अकाउंट क्या किसी एक ने हैक किया है या कोई और भी हैक किया है, यानी मिनिमम 4 मिनिमम आपके 3 अकाउंट यानी 3 फ़ोन में मिनिमम आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, और आपके फ़ोन को लेकर यानी व्हाट्सएप 4 डिवाइस में लॉगिन हो सकता है ये दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर लॉग यहाँ पे जैसे कि आपको व्हाट्सएप हैक है तो इसको कैसे आप यहाँ से हैक होने से बचाएंगे, इसको कैसे लॉग आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉग आउट करने के लिए सिंपली आपको इस पर टाइप करना है। यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड लॉग आउट का, तो सिंपली आपको जो लॉग आउट के यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है सिंपली इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लॉग आउट हो गया, जैसे यहाँ पे लॉग आउट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कोई भी डिवाइस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से अगर हैक होगा तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है पता करने का। और सिंपली यहाँ से लिंक के डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, जो कि स्कैन करके यहाँ से ही किसी कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं या फिर आप किसी का भी हैक कर सकते हैं। और अगर आपको हैक से बचाना तो सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखना है, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखे रहेंगे तो उसमें जो भी आपका कोड होगा वो कोड आपको ही मालूम होगा, और जो भी बंदा आपका व्हाट्सएप हैक करेगा वो जैसे कि 1 से 2 बार जैसे ही ओपन करेगा व्हाट्सएप आपका ओपन करेगा व्हाट्सएप पे आएगा तो उसके बाद से वो कोड मांगेगा, जो कि कोड उसको मालूम नहीं होगा तो आपके चैट या फिर कुछ भी वो देख नहीं पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा भी सकते हैं, और हैक है तो कुछ इस प्रकार से उसको लॉग आउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे, वीडियो आप सबको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हमारा विजिट करें तो प्लीज़ रेड बटन क्लिक करें चलो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।